गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन 201 ENGCE 201 वॉट वी आर डूइंग, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आर एसेज. जितने हमारे एसेज इंक्लूडेड थे सिलेबस में वो ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं और पोइम्स भी हमारे कंप्लीशन पे हैं. टुडे वी विल गो थ्रू द लास्ट पोइम, रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड. चिनुआ एचबे जो एक अफ्रीकन ऑथर हैं उनकी ये पोइम है. इट टेल्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अ मदर. जनरली हम कहते हैं ना कि मदर जो है वो गॉड कांट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर्स ऑन दिस अर्थ. तो मदर को इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान खुद पहुँच नहीं सकता और जितनी केयर, जितनी अफेक्शन, जितना लव, जितना दुलार भगवान कर सकते हैं, जितनी केयर मदर कर सकते भगवान कर सकते हैं उतनी मदर करती है. सो ही क्रिएटेड मदर. सो वॉट विल वी डू, वील जस्ट गो थ्रू अबाउट द पोइम कंटेंट. रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड इज़ एन इमेंसली होता बहुत ज़्यादा मूविंग एंड इंटेंस पोइम. बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरी हुई और दिल को छूने वाली पोइम है. इट पोर्ट्रेज द पेन ऑफ अ मदर. एक माँ की दुख को बताया गया है. वो सन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. वर्ज होता है एज, एज होता है किनारा, जो कि बिल्कुल मौत के पास उसका बेटा है. द पोइट स्टेट्स दैट, सेट मीन्स सेज. पोइट क्या कहता है, नो पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंड वर्जिन मेरी कैन मैच द प्रेगनेंसी ऑफ द इमेज ऑफ द रिफ्यूजी मदर एंड द चाइल्ड. कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक. जो कैथोलिक सेक्ट है उसमें वर्जिन मेरी और जीसस क्राइस्ट की जो है वो इमेज रहती है. वैसे भी आपने देखा होगा ना, वर्जिन मेरी की गोद में जीसस क्राइस्ट की बड़ी प्यारी सी और फुल ऑफ ना मदरहुड और माँ के पैशंस और भावनाओं को बताने वाली जो फ़ोटोज़ हैं वो आम तौर पे मार्केट में मिलती हैं. गूगल पे सर्च करोगे यू विल फाइंड दोज इमेजेस. ठीक है, तो कहते कोई भी जो मदर मैरी और उनके बेटे क्राइस्ट की जो फ़ोटो है वो मैच नहीं कर सकती जो इमेज ऑफ रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड है उसकी क्वालिटीज़ को. दिस मदर विल सून हैव टू लर्न टू लिव विदाउट हर सन. उसको पता है कि मेरा बच्चा मरने वाला है. जीसस क्राइस्ट की मदर को पता था ना कि उनका बेटा जो है वो सर्वाइव करेगा और वो ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हिमसेल्फ. लेकिन यहाँ मदर को ये पता है कि माई चाइल्ड इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून और मुझे बड़े जल्दी बच्चे के बिना रहना सीखना है, विच इज़ वेरी टफ फॉर अ मदर टू बिलीव. ठीक है, इन सबसिक्वेंट स्टेंजा, अगले स्टेंजा में स्टेंजा कंज्योर्स अप द हॉरर्स ऑफ अ लाइफ. एक ऐसी डरावनी जिंदगी के बारे में बताता है. एट अ रिफ्यूजी कैंप. रिफ्यूजी क्या होता है, जिस शरणार्थी कैंप है उसमें. विद इमेजेस ऑफ डिजीज एंड डेथ, जहाँ बीमारी और डेथ की इमेजेस हैं. द हैवी स्टेंच ऑफ चिल्ड्रन सिक विद डायरिया. बच्चों को लूज मोशंस लगे हैं, वहाँ हैवी स्टेंच है, बहुत गंदी स्मेल है डायरिया की. दे आर अनवॉश्ड, उनके बिना धुले ड्राइड अप बॉटम्स, उनका लोअर पोर्शन जो है जैसे डायरिया के बाद वो वॉश नहीं करे जाते हैं, वो बच्चे क्यों नहीं करे जाते वो. एंड ब्लोन एम्प्टी स्टमक्स, और जो खाली पेट है वो हवा से भरे हुए हैं, ब्लोन है. एंड दीज चिल्ड्रन मेकिंग अ विजिबल एफर्ट टू वॉक. इमेजिन करो ऐसे बच्चे जो चलने की कोशिश करते हैं. ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो एक मैसेज आता है ना कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करें टेलीविज़न पे, तो वहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों क्या तो बैली पिचक के जो है पेट पिचक के बिल्कुल पेट से लगा होता है या हवा से भरा हुआ बैलून की तरह पेट होता है. तो अफ्रीकन कैंप्स में ये बड़ी कॉमन सी साइट थी. एंड ही रेफर्स टू द एक्सेप्शनल रेजिलियंस ऑफ हिज मदर, ऑफ दिस मदर. इस मदर की जो एक्सेप्शनल होती है बड़ी डिफरेंट टाइप की रेजिलियंस है, रेजिस्टिविटी है, बड़ी वो स्ट्रॉन्ग है. हर आइज ऑलमोस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, उसकी आंखें जो है ना वो एक गाना गा रही हैं. शी टेक्स केयर टू क्लीन अप हर चाइल्ड, जैसे वो अपने बच्चे को साफ करती है. एंड इवन कॉम हिज रस्ट कलर्ड हेयर. उसके रस्ट क्या होती है, जंग समझते हो, जो लोहे के बर्तनों वगैरह में लगती है ना ब्राउन कलर की, दैट इज़ वी कॉल रस्ट. उसके रस्ट कलर के जो हेयर है उनको कॉम करती है बिफोर लाइंग हिम टू रेस्ट, इससे पहले कि वो बच्चा मर जाए उसकी वो पूरी केयर कर रही है. द पोइट कंट्रास्ट हर स्पिरिटेडनेस विद द लैक डायलेसिकल अप्रोच ऑफ दोज. तो उसकी जो स्पिरिटेडनेस है, जो उसकी जील है बच्चे की केयर करने के लिए, उन मदर्स से कंपेयर किया गया है या उन लोगों से कंपेयर किया गया है. विद द लैक डायलेसिकल अप्रोच ऑफ दोज, जो लापरवाह हैं किसके लिए, हु हैव गिवन अप टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की केयर करनी बंद कर दी है, लेकिन जो मदर है उसके प्यार को, उसकी भावनाओं को, उसकी बच्चे को तैयार करने वाली टेंडेंसी को किसमें पोर्ट्रे किया गया है. दो चीज़ें बताई गई हैं ना, कैंप में दो टाइप के लोग हैं. एक लोग हैं उनको पता है हमारे बच्चे मर जाएंगे, डायरिया लगेगा, सफाई नहीं हो रही है, इन्फेक्शन हो जाएगा. एक जो ये मदर है उसको पता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मरने वाला है, लेकिन इवन देन जो पूरी लव केयर अफेक्शन के साथ जो उसको बच्चे को ट्रीट करती है. ठीक है,
सो द रिफ्यूजी मदर्स, ये रिफ्यूज़ नहीं है, रिफ्यूजी है ये, है ना. एक्ट्स कुड ईजिली हैव बीन अ डेली रिचुअल दैट अ मदर कैरीज आउट बिफोर डिस्पैचिंग हर चाइल्ड टू स्कूल. तो जो उसकी मदर के जो एक्ट्स हैं ना, वो डेली रिचुअल का पार्ट रहते, कि जैसे कि वो मदर जो है अपने बच्चे को डिस्पैच करती है, स्कूल भेजती है डेली तैयार करके. तो वो जो रिफ्यूजी मदर है, वो अपने बच्चे को वैसे तैयार कर रही है. हाउ एवर इन दिस केस इट इज़ एन एक्ट, ये ऐसा काम है दैट हैज़ अ टेंडरनेस, इसमें एक सॉफ्टनेस है, विच इज़ इक्वल टू पुटिंग फ्लावर्स ऑन टाइनी ग्रेव ऑफ अ चाइल्ड. और वो जो टेंडरनेस है ना, वो वैसी है जैसे बच्चे की ग्रेव के ऊपर जो है वो फ्लावर्स रख रहे हैं. तो अगर इस पोइम को आप फीलिंग के साथ पढ़ोगे ना, तो ये एक अलग तरह का मैसेज है. और एक इमोशनलेस होके पढ़ोगे, तब तो ठीक है कि एक मदर का बच्चा मरने वाला है, अपने बच्चे को तैयार करती है, अच्छी तरह से तैयार करती है, और फिर उसको ये भी पता है कि मेरा बच्चा मरने वाला है. दिस इज़ अ इन सिंपल वे, जैसे मैंने आपको बताया था ना द रेडनिंग ट्री का है. आप किस एस्पेक्ट से, किस व्यू पॉइंट से स्टोरी को पढ़ते हो, दैट एवर रिमेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको तो मैंने क्लास में प्रॉपर पढ़ाई है वो स्टोरी, है ना. सो नो मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना इज़ रेफर टू मदर मैरी, could touch that picture of a mother's tenderness for a son she soon would have to forget. Now the poet is referring to Mother Mary and her child. कभी भी देखना, जीसस क्राइस्ट की जो फोटो है ना, उसमें जीसस क्राइस्ट को छोटा सा बच्चा गोद में है, और मदर मैरी पूरा वो ना आंखों में इतना प्यार और ममता वाले भाव से अपने बच्चे को देख रही है. सो क्या ये कह रहे हैं जो पोइट है चिनुआ एचबी, वोट इज सेइंग नो मैडोना एंड चाइल्ड, कोई भी मैडोना मदर मैरी, नॉट इवन अ सिंगल पिक्चर ऑफ मदर मैरी एंड जीसस क्राइस्ट कैन टच, कैन इक्वेट द पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस, मदर्स फीलिंग्स, कि मैडोना और क्राइस्ट की कोई भी पिक्चर उस माँ की फीलिंग्स को मैच नहीं कर सकती. फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट हु इज़ विद हर सन एंड शी नोज वेल दैट आई हैव सून आई हैव टू फॉरगेट माई सन. अपने बेटे के साथ, और उसको पता है कि मेरा बेटा जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाला है, मुझे बच्चे को भूलना होगा. लेकिन वो मदर इतनी केयर से, इतनी इंटेंसिटी, इतने पैशन के साथ बच्चे के साथ इन्वॉल्व है कि उसको मैच करना ही मुश्किल है. अब देखो जो कैंप होते हैं ना, जैसे आपने, अब देखो आपके सामने रीसेंट एग्जांपल है, ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, लॉकडाउन में क्या हो रहा था, लोगों की कितनी बुरी हालत थी, है ना, कितने बुरे वो कैंप्स थे जगह जगह. वो कैंप्स भी कहाँ थे, वो जगह जगह रुक रहे थे, तो वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी, पानी की फैसिलिटी नहीं थी, बच्चों के लिए दूध की फैसिलिटी नहीं थी. इवन जो मदर्स थी, उन्होंने रोड पे बच्चे डिलीवर किए हैं, तो उससे बदतर हालात तो नहीं हो सकते ना. फिर जब वो लोग गाँव के पास पहुँच रहे थे, तो उनको जो है कैंप्स में रखा जा रहा था, तो जो आइसोलेशन वाला एरिया था, तो वहाँ पर तो हालत इतनी बुरी नहीं थी. लेकिन इन जनरल जो है, आपने कभी देखा होगा जब बाढ़ थी, जब केदारनाथ वगैरह में डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था, जो लोग होते हैं ना, वो विक्टिम्स, जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनके घर बह जाते हैं, उनको कैंप्स में रखा जाता. तो कैंप्स में क्या होता है, पैकेट वाला फूड मिलेगा, वो भी कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ को नहीं मिलता है, टॉयलेट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है. लेकिन ये जो कैंप्स हैं, इनकी तो बहुत ही बुरी हालत थी. व्हेन यू विल गो थ्रू द पोएम यू विल कम टू नो. The air was heavy with odors. Odors होता है bad smell, stinking smell, बदबू. किस चीज़ की? The air was heavy with odors of diarrhea. People there, they were suffering from diarrhea. Diarrhea क्या होता है? जो loose motions लगते हैं ना, वो कि ये क्यों होते हैं? क्योंकि infection होता है, ठीक है. So air was heavy means there was bad smell of diarrhea. किसकी? Of unwashed children. There were children who were doing loose motions and they were not washed. तो अब स्मेल तो आनी ही है ना. Unwashed children with washed out ribs. Their ribs were visible. उनकी जो हड्डियाँ हैं ना, जो बोन केज है, जो अपर पार्ट की हड्डियाँ हैं चेस्ट को कवर करने वाली, washed out ribs and dried up bottoms. Their ribs were visible. इमेजिन करो, उनकी पूरी हड्डियाँ दिख रही हैं एंड देयर बॉटम्स वर ड्राइड अप. और लूज मोशन करने के बाद उनके जो बॉटम्स वाला एरिया था, उसको किसने साफ ही नहीं किया था, तो इन्फेक्शन तो होना ही था, है ना. स्ट्रगलिंग इन लेबर्ड स्टेप्स बिहाइंड द ब्लोन एम्प्टी बैलीज. नाउ देखो इसको, स्टेंजा को समझने की कोशिश करो. एयर वॉज हैवी विद द ओडर, एयर वॉज हैवी विद द स्मेल ऑफ डायरिया. And diarrhea was of those children who were unwashed, whose bottoms were unwashed, and their ribs were visible. Their bottoms were unwashed and dried, and they were struggling to move ahead. बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए आगे जा रहे थे, and their bellies were blown up with air.
ठीक है, उनके पेट जो थे ना वो हवा से, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत बुरी हालत थी, डायरिया था, है ना, लगा हुआ था. और मोस्ट मदर्स हु हैड लॉन्ग सीज टू केयर बट नॉट दिस वन, मोस्ट ऑफ द मदर्स इन द कैंप्स दे हैड स्टॉप्ड, सीज होता है रोक देना, दे हैड स्टॉप टू केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. ज़्यादातर मदर्स ने बच्चों को भागे भरोसे छोड़ दिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा, बट नॉट दिस वन. बट दिस मदर हु इज़ रेफर टू इन द फर्स्ट थ्री लाइन्स, जो लेडी फर्स्ट थ्री लाइन्स में रेफर है ना, जिसको पता है कि मेरा बच्चा मरने वाला है, शी डिडंट गिव अप टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड, उसने लास्ट मोमेंट तक अपने बच्चे की केयर की. सो शी हेल्ड अ गोस्ट लाइक स्माइल बिटवीन हर टीथ, वो खुद भी वीक थी, डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, तो हर टीथ रिवर नो वाइट कलर के जो टीथ बाहर आ रहे थे ना, इट वॉज अ गोस्ट लाइक स्माइल, क्योंकि वो भूखी थी, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ निकल चुकी थी, शी वॉज वेरी वीक एंड शी वॉज विदाउट फूड, सो हर स्माइल इज़ कम्पेयर्ड विद गोस्ट लाइक स्माइल. सो शी हेल्ड हर अ गोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ एंड इन हर आईज द गोस्ट ऑफ अ मदर स्प्राइट एंड हर इन आईज शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ मदर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड. लेकिन वो खुशी थोड़ी देर की थी, है ना. एज शी कॉम द रस्ट कलर्ड हेयर लेफ्ट ऑन हिज स्कल, शी वॉज कॉमिंग द रस्ट कलर्ड हेयर, जो ब्राउन रंग के बाल थे ना बच्चे के सिर के ऊपर, उनको वो कॉम कर रही थी. एंड देन सिंगिंग इन हर आइज, हर आइज वर सिंगिंग, देयर वॉज हैप्पीनेस, जो मदरली सेटिस्फेक्शन है वो पूरी तरह से उसकी आंखों में थी. बिगेन केयरफुली टू पार्ट इट, शी स्टार्टेड पार्टिंग हर द हेयर ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे के जो बालों में एक लाइन डालते हैं ना हम लोग, तो वो जो है पार्टिंग उसने करनी शुरू की. इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटिल डेली एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल. सो शी इज़ सेइंग दैट इन अनदर लाइफ नाउ शी नोज वेल कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड शी वॉन्ट्स टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर चाइल्ड ऑल्सो. लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके उसका ये जो काम है ना ये बड़े ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है. इन अनदर लाइफ इज़ रेफर टू इन डिफरेंट सिचुएशन, मीन्स टुमारो और डे आफ्टर दैट. इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटिल डेली एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट. सो इन अनदर लाइफ, ठीक है, शी इज़ हेल्पलेस, शी वॉज इन अ कैम्प, शी डजेंट हैव फूड टू ईट, शी डजेंट टेक, शी couldn't take care of her child, so it would have been a daily routine, theek hai na. In another life, in the in different situation, alag halaat mein kab, agar sari cheeze theek hoti na, another life means when she is thinking if situation were different, agar situation alag hoti, it would have been a daily little daily act, it would have been an act ऑफ हर्स डेली. तो उसका ये डेली का काम होता है ना, अगर उसके बच्चा प्रॉपर ग्रो कर रहा होता और सिचुएशन कैंप में ना होते, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल, शी वुड हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर हम हिम एंड वुड हैव सेंट हिम टू स्कूल. लेकिन नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव एंड नाउ शी इज जस्ट, वॉट इज शी डूइंग, शी इज कॉमिंग हर सन्स हेयर इन द वे शी इज पुटिंग फ्लावर ऑन द टाइनी ग्रेव ऑफ हर सन. मीन्स कि बच्चा उसको पता है कि माई चाइल्ड इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून, और लेकिन वो अपने दुख को दबा के जो है जो प्रेजेंट मोमेंट है ना उसको वो एंजॉय कर रही है कि आई एम विद माई सन, मेरा बच्चा मेरे साथ है और मैं इसको तैयार कर रही हूँ. और वो भी सोच रही है कि अगर जो ऑथर कह रहा है वो कह रहा है कि अगर हालात अलग होते तो उसका डेली का काम होता ना बच्चे को तैयार करके भेजना, लेकिन बदतर हालात में भी वर्स्ट कंडीशन में जब सारे लोगों ने अपने बच्चों को की केयर करना छोड़ दिया है, ओनली दिस मदर इज़ देयर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो दिस इज शोन एज अ एटीट्यूड ऑफ अ मदर टूवर्ड्स हर चाइल्ड. और ये जो डेली जो ये एक्ट है ना जैसे वो कॉम कर रही है बालों को, तो शी इज़ थिंकिंग ऑफ इट इज़ लाइक इट इज़ कम्पेयर्ड विद एन एक्ट ऑफ ऑफरिंग फ्लावर्स ऑन द लिटिल ग्रेव ऑफ हर सन. तो उसको जो है वो शी इज़ रेडी टू बेयर इट, वो इसे झेलने के लिए तैयार है. इन द सेम वे मडोना, देखो लास्ट लाइन के साथ फर्स्ट लाइन को लिंक किया गया है, इन द सेम वे मदर मैरी टॉलरेटेड द पेन ऑफ क्राइस्ट हैंगिंग. जिस तरह से क्राइस्ट व्हेन क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड, मडोना फेल्ट यू नो टू मच पेन, मदर थी वो उसको बहुत दुख हुआ. इन द सेम वे दिस वेरी मदर, शी नोज वेल ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल शी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड विद वेलबींग ऑफ हर चाइल्ड, कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पास है तब तक मैं उसको बेस्ट पॉसिबल वे में उसकी केयर करूँगी. ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेट मी टेल यू वट यू हैव टू डू. क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करोगे,
सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पिक्चर ऑफ अ रिफ्यूजी मदर एंड हर चाइल्ड इज अ रियलिस्टिक पिक्चर? यस इट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर, ये कैंप के पिक्चर है जहाँ पे मदर और चाइल्ड को रियलिस्टिक सिचुएशन में डिपिक्ट किया गया है. जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका, अगर आप एक सिंपल समरी प्रिपेयर करते हो ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेगा. तो आज हम लोगों का जो सिलेबस सेट इज़ कंप्लीटेड नाउ. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको डेली एक वीडियो में सेंड करूँगी रिवीजन के लिए. आपने जब भी कॉलेज आना है ना, आपको पता है आजकल कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो आप क्या करोगे, जब भी कॉलेज आना है तो एक जो है वो पोएम को आपने प्रिपेयर करके आना है, अपनी क्वेरीज लेके आनी है. सो गुड डे.